टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग मैथ्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी इज द मेकिंग मॉडिफिकेशन यूजेस एंड नॉलेज ऑफ टूल्स मशीन्स टेक्निक्स इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इम्प्रूव ए प्री एग्जिस्टिंग सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम अचीव ए गोल और ए परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। इट कैन ऑल्सो रेफर टू द करेक्शन ऑफ सच टूल्स मशीनरी मॉडिफिकेशन अरेंजमेंट एंड प्रोसीजर। वाई टू यूज टेक्नोलॉजी? अवर एम वॉज टू इंक्रेज फॉर हायर लेवल ऑफ एक्टिव स्टूडेंट इंगेजमेंट फेयर नॉलेज इज ऑब्टेंड बाई शेयरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिंग रैदर देन पैसिव लर्निंग। दिस क्लासरूम अनेबल बोथ एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ इक्वल एसेस बाय द लीड। इसमें हमारा जो एम है टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करते हैं हम टू एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट जो है एक्टिव इंगेज हैं स्टडी में और हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है फ्रूटफुल हो। हिस्ट्री ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैथमेटिक्स। हम जो है टेक्नोलॉजी अभी मॉडर्न टाइम में यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये एंशिएंट टाइम से पुराने समय से ही टेक्नोलॉजी यूज़ होती आ रही है। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वेन स्टडिंग मैथमेटिक्स इज नॉट ए न्यू इशू सिंस ह्यूमन काइंड ऑलवेज हैव बीन लुकिंग फॉर सोल्यूशन टू अवॉइड टाइम कंज्यूमिंग रूटीन वर्क। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री इन मैथमेटिक्स एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द मैजिक स्लेट बुक मैजिक ब्लैक बोर्ड रेडियो वीडियो टेप टेलीविजन कैलकुलेटर कंप्यूटर इंटरेक्टिव बोर्ड्स ऑल दीज कम अंडर टेक्नोलॉजी पेपर मनी एंड क्वाइन बीन्स बटन्स एंड ऑल अदर आइटम्स आर हेल्पफुल फॉर काउंटिंग एंड कंपटीशन स्किल। हियर व्हाट इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी? दीज आर द सम ऑब्जेक्ट्स विच इंक्लूड इन द एजुकेशन टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक रेडियो टीवी मोबाइल फोन कैलकुलेटर दीज आर द एजुकेशन टेक्नोलॉजी वी प्रेफर टू यूज़ द टर्म एजुकेशन टेक्नोलॉजी। दिस इंक्लूड एनी टेक्नोलॉजी दैट यूज इन एन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट, जिसको भी कोई भी टेक्नोलॉजी जो हम एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं जिसका एजुकेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी? एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की क्या इंपॉर्टेंस है? द इफेक्टिव टीचर्स ऑप्टिमाइज द पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी टू डेवलप स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग स्टिमुलेट देयर इंटरेस्ट एंड इंक्रीज देयर प्रोफेंसी इन मैथमेटिक्स। व्हेन टीचर यूज टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिकली दे कैन प्रोवाइड ए ग्रेटर एक्सेस टू मैथमेटिक्स टू ऑल स्टूडेंट। इट इज एसेंशियल दैट टीचर एंड स्टूडेंट्स हैव रेगुलर एक्सेस टू ए टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट एंड एडवांस मैथमेटिकल सोर्सेज मेकिंग रीजनिंग पोजिशन सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन। व्हेन टीचर्स यूज टेक्नोलॉजी दे कैन प्रोवाइड ग्रेटर एक्सेस टू मैथमेटिक्स फॉर ऑल सॉल्यूशन। ये बहुत जरूरी है कि जो टीचर एंड स्टूडेंट हैव रेगुलर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी होना चाहिए दैट सपोर्ट एंड एडवांस मैथमेटिक्स सोर्सेज मेकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं टीचर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो वो बड़े ज़्यादा स्टूडेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज कर सकता है स्टूडेंट की। व्हाट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन? टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन क्लासरूम। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द वेरियस यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल आइटम्स सच एज स्मार्ट बोर्ड कैलकुलेटर्स एंड वेरियस कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू इम्प्लीमेंट क्लासरूम एक्टिविटी। बड़े ज़्यादा कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज़ कर सकता है टीचर्स इस तरह से। जब भी टीचर जो है मीन्स एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है दिस इज़ कॉल्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। देर आर सम टूल्स फॉर टीचर्स एंड लर्नर्स। यहाँ कुछ टूल्स हैं टीचर और लर्नर के लिए टीचर, ठीक है। तो फर्स्ट इज एडमोडो। एडमोडो इज एजुकेशन टूल दैट कनेक्ट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड इज असिमिलेट into a social network. In this, one teacher can create a online collaborative group, administer and provide educational materials, measure student performance and communicate with parents. Among
the other functions. And Modo has more than 34 million users who connect to create a learning processes that is more enriching, personalized, and aligned with the opportunity brought by the technology and digital environment. एंड वो तो क्या है, एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह है जिसमें कि क्या है, टीचर जो है एजुकेशन मटेरियल को प्रोवाइड करता है और स्टूडेंट्स की उस वर्क को करते हैं और वो उस वर्क को फिर सेंड वापस करते हैं, फीडबैक देते हैं और इससे मीन्स उसकी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जान सकते हैं. सोक्रेटिव इज़ ए ग्रुप ऑफ एंटरप्रेनर्स एंड इंजीनियर्स पैशनेट अबाउट द एजुकेशन. सोक्रेटिव इज ए system that allow teacher to create exercise or education games with students can solve using the mobile devices whether smartphone laptop or tablets. Teacher can see the result of the activity you have teach and depending on these modify the subsequent lessons in order to make them more personalized. ye jo group hai it is khud teacher karte hain, it is engineers and इंटरप्रेनर्स जो पैशनेट अबाउट द एजुकेशन है वो इसको फ्रेम करते हैं. ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें टीचर अलाउ ए क्रिएटिव क्रिएट एक्सरसाइज और एजुकेशन गेम्स. अब उस गेम्स के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करता है, मोबाइल पे डिवाइस पे कर सकता है, स्मार्टफोन पे कर सकता है, लैपटॉप पे कर सकता है. ठीक है, और टीचर उसमें क्या अपना रिजल्ट देखता है, उनका रिजल्ट देखता है और उसके अकॉर्डिंग अपना लेसन प्लान चेंज कर सकते हैं. प्रोजेक्ट क्यूट क्या होता है, प्रोजेक्ट क्यूट इज़ ए टूल दैट अलाउ यू टू क्रिएट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन. ठीक है, ये भी आपका एक पीपीटी बनाई जाती है, पीपीटी में प्रेजेंटेशन बनाई जाती है जिसमें आप मैप ऐड कर सकते हो, क्विज़ ऐड कर सकते हो, वीडियोस अमंग अदर ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं. ड्यूरिंग ए क्लासरूम टीचर्स कैन शेयर विद द स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रेजेंटेशन विच आर विजुअली अडेप्टेड टू डिफरेंट डिवाइस. इसके बाद है थिंक लिंक अलाउ एजुकेटर्स टू क्रिएट इंटरेक्टिव इमेजेस विद म्यूजिक साउंड एंड टेक्स्ट एंड फोटोग्राफ्स. थिंक लिंक रेफर द पॉसिबिलिटी फॉर ए टीचर टू क्रिएट लर्निंग मेथोलॉजी दैट वेकन द क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू इंटरेक्टिव कंटेंट दैट कैन एक्सपेंड देयर नॉलेज. इसमें क्या है, इमेजेस होती हैं विद साउंड, साउंड होती है साथ में और म्यूजिक होता है. ठीक है, और उसको देख के जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्न करते हैं. ठीक है, और अपने नॉलेज को गेन करते हैं. क्लास डोजो इसे रिवार्ड जैसे हम बोल देते हैं कि वेल डन, या उन बच्चों को दे दिया ग्रेड, दे दिया प्लस वन प्लस टू ग्रेड दे दिया. ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, फिर हम ग्रुप में डालेंगे कि किसी भी वेल डन और स्टूडेंट का नाम लिख देंगे. ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो ए टेक्नोलॉजी. ठीक है, क्लास डोजो इज़ ए टूल टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स बिहेवियर. टीचर्स प्रोवाइड देयर स्टूडेंट्स विद इंटेंस फीडबैक सो दैट द गुड डिस्पोजिशन ऑफ द क्लास इज रिवार्डेड विद पॉइंट्स एंड स्टूडेंट्स हैव ए मोर रिसेप्टिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द लर्निंग प्रोसेस. क्लास डोजो प्रोवाइड रियल टाइम नोटिफिकेशन टू द स्टूडेंट्स लाइक वेल डन एंड प्लस वन फॉर द वर्किंग क्लेवरली. The information that is collected about the student's behavior can be shared later with the parents and administrator through the web. CK12. CK12 means class kindergarten to 12. CK12 is a website that seeks to reduce the cost of academic books. To achieve its objective, this platform has an open source interface that allows creating and distributing educational materials through the internet, which can be modified and contain video, audio and interactive exercise. The books that are created in CK12 can be adapted to the need of teachers and students. ये एक वेबसाइट है जहाँ पर मीन्स टीचर और स्टूडेंट्स जिनको बुक की जरूरत होती है वहाँ से बुक ले सकते हैं और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं. ये बुक की कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देते हैं. एडुक्लिपर दिस प्लेटफॉर्म अलाउ टीचर स्टूडेंट टू शेयर एंड एक्सप्लोर रेफरेंस एंड एजुकेशन मटीरियल्स. इन एजुकेशन क्लिपर यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फाउंड ऑन द इंटरनेट एंड देन शेयर इट विद द मेम्बर ऑफ प्रीवियसली क्रिएटेड ग्रुप. ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है जो टीचर को अलाउ करता है टू शेयर द
इन्फॉर्मेशंस जो पहले से ग्रुप बनाए होते हैं वहाँ से टीचर उसमें शेयर कर सकते हैं विद द मेंबर ऑफ प्रीवियसली शेयर ग्रुप विच ऑफर द पॉसिबिलिटी टू मैनेज मोर इफेक्टिवली एन एकेडमिक कंटेंट फाउंड ऑनलाइन। इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर ए टीचर टू ऑर्गेनाइज ए वर्चुअल क्लास विद द स्टूडेंट्स वेयर ऑल वर्क कैरिड आउट स्टोर। एनीमोटो, एनीमोटो इज अ डिजिटल टूल दैट अलाउ यू टू क्रिएट हाई क्वालिटी वीडियोस। एनीमोटो के डिजिटल टूर है जो कि अलाउ करता है क्रिएट हाई क्वालिटी वीडियो इन शॉर्ट टाइम एंड फॉर्म एनी मोबाइल डिवाइसेज, इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स एंड हेल्पिंग इम्प्रूव एकेडमिक लेसन्स। द एनीमोटो इंटरफेस इज फ्रेंडली एंड प्रैक्टिकल अलाउइंग टीचर टू क्रिएट और विजुअल कंटेंट दैट अडेप्टेड टू द एजुकेशन नीड। एनीमोटो एक जैसे कि आप मान सकते हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब से टीचर जो है वीडियो ले सकता है उसको आके शेयर कर सकता है। हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी एज ए टूल ऑफ लर्निंग, टीचर टेक्नोलॉजी को किस तरह से एज ए लर्निंग टूल यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर इन द क्लासरूम, टीचर कंप्यूटर को क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं ठीक है, और अपने लेसन को मीन्स अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है। हैविंग ए कंप्यूटर इन द क्लास रूम इन एड एसेट टू एनी टीचर्स विद अ कंप्यूटर इन द क्लास रूम, टीचर आर एबल टू डेमोस्ट्रेट ए न्यू लेसन प्रेजेंट न्यू मटीरियल्स इलस्ट्रेट हाउ टू यूज न्यू प्रोग्राम्स एंड शो न्यू वेबसाइट्स। वायरलेस क्लास रूम माइक्रोफोन, नॉइसी क्लास रूम आर डेली अकोरेंस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन्स, स्टूडेंट्स आर एबल टू हेयर देर टीचर्स मोर क्लियरली, टीचर लर्न बेटर वैन दे हेयर टीचर क्लियर ठीक ठीक। इसमें माइक्रोफोन स्टूडेंट जो माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि जो नॉइसी क्लासरूम है वहाँ टीचर की आवाज़ की बार क्लियर नहीं स्टूडेंट सुन पाते हैं ठीक है, माइक्रोफोन से वो टीचर को क्लियरली सुन पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे लेसन को। मोबाइल डिवाइसिस, मोबाइल डिवाइसिस सच अ स्मार्टफोन कैन बी यूज टू इन्हांस द एक्सपीरियंस इन द क्लास रूम बाय प्रोवाइडिंग द पॉसिबिलिटी फॉर प्रोफेसर टू गेट द फीडबैक ठीक है। मोबाइल डिवाइस भी क्या एक एंड स्मार्टफोन भी क्या एक एजुकेशन टूल्स है जिसको यूज़ करके हम क्लास में यूज़ करके उनको वीडियो दिखा सकते हैं, जो जितना मटेरियल हो सकता है उसमें मोबाइल फ़ोन में दिखा सकते हैं, इससे भी लेसन जो इंटरेस्टिंग फ्रूटफुल बन सकता है। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स, एन इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स दैट प्रोवाइड टच कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन, दीज इन्हांस द एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम बाय शोइंग एनीथिंग that can be on the computer screen. This not only aid in the visual learning but it is interactive so the students can draw, write or manipulate images on the interactive whiteboard. And digital video on demand, digital video eliminate the need of classroom hardware and allows teachers to and students to access video clips immediately बाय नॉट यूटिलाइजिंग द पब्लिक इंटरनेट। इसमें क्या टीचर जो है ऑन डिमांड वीडियो भी बच्चों को दिखा सकते हैं, नेट से डाउनलोड करके दिखा सकते हैं ठीक। और डिजिटल वीडियो जो होते हैं इट इज़ रिमूव द प्लेयर की जरूरत नहीं होती इसमें मीडिया प्लेयर की। ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीम्ड वीडियो वेबसाइट कैन यूटिलाइज टू इन्हांस द क्लासरूम लेसन। ऑनलाइन स्टडी टूल्स, टूल्स दैट मोटिवेट स्टूडेंट्स बाय मेकिंग स्टडिंग मोर फन और इंडिविजुअलाइज फॉर द स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका डिजिटल गेम्स, फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन गेम्स आर अ सीरियस गेम्स दैट हैज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। द डिजिटल गेम्स आर बींग प्रोवाइडेड एज ए टूल फॉर द क्लासरूम एंड हैव ए लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक including higher motivation for the student. These are many other tools using being utilized depending on the local school board and funds available. These may include digital camera, video camera, interactive whiteboards. इसमें जो एजुकेशन गेम्स हैं कुछ लास्ट ईयर से आ रही हैं, कुछ फ्यू लास्ट ईयर से, उसमें डिजिटल गेम्स को खेल के जो स्टूडेंट्स हैं अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं ठीक है। इसके बाद है सॉफ्टवेयर यूज फॉर टीचिंग लर्निंग मेथड, किस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं हम टीचिंग लर्निंग मेथड। फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर यूज फॉर टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स, फर्स्ट इज कैलकुलेटर, हम कैलकुलेटर को यूज़ भी
यूज़ करके, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, डायनेमिक ग्राफिकल टूल्स, डायनेमिक ज्योमेटिकल ज्योमेटिकल टूल्स को यूज़ कर सकते हैं कुछ भी फिगर को ड्रा करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर सकते हैं, ऑटोशेप, ऑटोशेप इज ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर, इसमें शेप्स को हम ड्रा करके बच्चों को दिखा सकते हैं, इट्स मैथमेटिकल लैब भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मेन जो कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, हाउ टू टीच द स्लो लर्नर, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स टुडे वन इज़ द ग्रेटेस्ट चैलेंज इन द मैथ, टीचर इज टीचिंग मैथमेटिक्स हु आर स्लो लर्नर, मीन्स ये जो स्लो लर्नर को टीच करना है, ये बहुत बड़ा मैथमेटिकल चैलेंज है टीचर के लिए, ठीक है। स्लो लर्नर्स आर बींग कैरेक्टराइज एज ए फंक्शनिंग एज एबिलिटी एबिलिटी सिग्निफिकेंटली बिलो ग्रेट लेवल एंड कंसिस्टेंटली स्कोरिंग लो ऑन अचीवमेंट लेवल एज ए पार्ट ऑफ मीन्स टू इम्प्रूव द अचीवमेंट लेवल ऑफ स्लो लर्नर्स थ्रू न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज। टीचिंग इज ए न्यू स्किल सच एज एडिशनल मल्टीप्लिकेशन इज मेड ईजियर वैन द टीचर गिव्स रियल टाइम एग्जाम्पल और अलाउज फॉर द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैथमेटिक प्रॉब्लम बिकॉज स्लो लर्नर्स हैव डिफिकल्टी विद इमेजिनरीज कॉन्सेप्ट द फिजिकल एग्जाम्पल्स प्रोवाइड गाइडेंस एंड स्ट्रक्चर रिवार्ड। हम उनको रियल लाइफ के एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स जो रियल लाइफ के एग्जाम्पल ज़्यादा सीखते हैं, उनको रिवार्ड्स दे सकते हैं। एंड मेन जो इंपॉर्टेंट है स्लो लर्नर को टीच करने का, इट इज़ द ड्रिल, ड्रिल और मीन्स प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही उनको नॉलेज होगी। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर द टीचिंग मैथमेटिक्स टू स्लो लर्नर, हम उनको ऑडियो वीडियो इंस्ट्रक्शन से भी टीच करा सकते हैं। स्लो लर्नर नीड एक्स्ट्रा टाइम फॉर रिमेडियल एंड इनरिचमेंट एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स कैन लर्न टू लिटेंट एजुकेशन रेडियो प्रोग्राम्स विच आल्सो हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द स्लो लर्नर, द वीडियो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड यूनिक एक्सपीरियंस टू द स्लो लर्नर इन द प्रेजेंटेशंस और इंस्ट्रक्शनल कंटेंट, इट पेंट्रेट्स मोर डीपली इन टू ह्यूमन करेक्टर्स विद एन इमीडिएट एक्साइटमेंट देन एनी अदर सिंगल मीडियम, ठीक है। स्लो लर्नर्स को ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होती है, उनको ज़्यादा टाइम देख के हम टीच कर सकते हैं या वो वीडियो इंस्ट्रक्शन से समझा सकते हैं टॉपिक को। इसके बाद है, हमें स्टूडेंट को ये जरूर बताना है कि अगर मैं कर सकता हूँ, हम कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। टीच द स्टूडेंट्स, ठीक है, आई डू, वी डू एंड यू डू, हियर्स आर सम मैथमेटिकल स्ट्रेटजीज, या कुछ मैथमेटिक्स स्ट्रेटजीज जो सिंपल सिंपल स्ट्रेटजीज हैं, जैसे हम उनको या टच विद द, वो टच करके बताते हैं 1 2 3 4 को हम डॉट में लगाए हुए हैं, ठीक है, तो वो इसको देख के खुद 4 बना सकता है, तो दिस इज ए स्ट्रेटजी है, ठीक है। यूज़ ऑफ फिंगर, फिंगर यूज़ करके बता सकते हैं हम काउंटिंग के लिए 1 2 3 4 5, और इन द फिंगर्स हम ऐसे बता सकते हैं कि फिंगर में 3 पार्ट्स होते हैं, तो हम 3 का टेबल फिंगर से बता सकते हैं, ठीक है। इसमें पुट ए बिग नंबर इन योर हेड एंड जैसे हमने 5 + 3 ऐड करना है, तो उनको बताना है कि 5 पुट योर 5 इन हेड एंड देन अकाउंट 6 7 8, तो उस तरह से उनको कर सकते हैं। यहाँ बड़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज हैं, कुछ जो हमारी एडिशन स्ट्रेटजी यहाँ गिवन है, ठीक है। लेबर वन काउंट करने की 3 + 1, तो उनको बॉक्स बनाए हुए 3, फिर 2 बॉक्स बनाए हुए, बाद में उसको काउंट करके कितने हो जाएंगे 3 + 2 = 5 बॉक्सेस। इस तरह से हायर लेबल के लिए और गिवन है, उसके मैथ स्ट्रेटजीज हैं। आप उनको ड्राई पिक्चर, जब उन्हें 2 3 4 5 बताने हैं, तो पिक्चर ड्रा कर बता सकते हैं। ऐड ए पैटर्न, पैटर्न में जैसे क्या 2, दूसरा खाली हो गया 4 6, इस तरह ये जो पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग में उनको बता सकते हैं। इसके बाद है मैथ लैब अप्रोच, चिल्ड्रन इन ए ग्रुप वर्क थ्रू एन असाइनमेंट टास्क कार्ड, लर्न एंड डिस्कवर मैथ फॉर देमसेल्फ। इसके बाद मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ये जो आपको जैसे आप इसमें मैं आपका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, जैसे ट्रायंगल ड्रा कर दी, स्क्वायर ड्रा कर ली, ठीक है, उनको फिर बोलना है कि इसको आइडेंटिफाई कीजिए, तो ये भी आपका एक पास मेथड है टू टीच द स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, ड्रा ए पिक्चर, आपने पिक्चर ड्रा कर लेनी है, मेक ए चार्ट
ठीक है, गैस उनको बोलना गैस करो, जैसे पिक्चर ड्रा कर दी अपने ज्योमेट्री की, उनको बोलना गैस करो कि कौन सी पिक्चर है ये, ठीक है। नंबर सीक्वेंस सेंटेंस लिख सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हैं यूज़। अब इसमें लास्ट में क्या समरी कि हमने किस तरह से एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, ठीक है। नो योर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने उसको जानना है कि स्टूडेंट के बारे में जानना है कि स्टूडेंट्स कैसे हैं, ठीक है, उनका लेवल कहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद नो अपने टेक्नोलॉजी जानी है, क्या जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो उन पे एप्लीकेबल है या नहीं है, उसको जान पाएंगे टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो लर्न कर पाएंगे। हमने बैलेंस और लेक्चर को दोनों को बैलेंस करके रखना है, ये नहीं कि हमने ज़्यादा टीचिंग एड यूज़ कर ली, लेक्चर कम यूज़ किया, तो हम दोनों को बैलेंस करके रखना है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है इफेक्टिवली यूज़ करनी है ताकि बच्चे उसको समझ पाएँ। मोनिटर स्टूडेंट्स वाइल यूजिंग टेक्नोलॉजी, अब इसमें क्या है कि हमने स्टूडेंट को साथ में मोनिटर भी करना है, स्टूडेंट को साथ में देखना भी है, ऐसे नहीं टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली है, ठीक है। और स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन लेनी है, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है स्टूडेंट्स को साथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना है हमने उसको। इसके बाद है कंक्लूज़न, कंक्लूजन में क्या है कि टेक्नोलॉजी सर्व्स एट ए टीचिंग एंड लर्निंग टूल्स इन फोर्सिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स मैथ्स, ठीक है। इसमें क्या टेक्नोलॉजी टूल्स हैं जो टीचिंग लर्निंग टूल्स हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट को इन्फोर्स करता है, मीन्स अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स द मैथ। दिस इज बिकॉज स्टूडेंट शुड बी एबल टू विजुअली इन ऑर्डर टू मेक द कनेक्शन टू द मैथमेटिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्टूडेंट जो है विजुअली जो है मैथमेटिक कॉन्सेप्ट को इजिली गाइन कर सकते हैं। दिस हेल्प इन अचीविंग द डिजायरेबल आउटकम्स, ठीक है, ये वो हमें हेल्प करते हैं दो डिजायर जो हमारी आउटकम्स हैं जो हमने चाहिए स्टूडेंट से कि कितना गेन करना नॉलेज उसको देने में हेल्प करता है। तो इन दिस लेसन इन दिस टॉपिक हमने किया कि एजुकेशन टूल के बारे में, अच्छा कि किस तरह के एजुकेशन टूल्स यूज़ करने हैं, ठीक है, और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी और हमने अपने लेक्चर को बैलेंस करके रखना है, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी अब इफेक्टिवली यूज़ करनी है, मोनिटर द स्टूडेंट्स बाय यूजिंग स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो इफ़ वी यूज़ दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन मेक द आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फ्रूटफुल। दिस इज द ऑल अबाउट माई लेसन्स। थैंक यू।